मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते बलात्कार की घटनाएं सरकार के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। एक तरफ भाजपा सरकार लाडली बहना योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लाडली बहना प्रदेश में बलात्कार की घटना से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब एक बार फिर छतरपुर से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। महिला का आरोप है कि जंगल में उसके साथ गैंग रेप किया गया। भले ही लाडली बहना योजना के जरिए प्रदेश की महिलाओं को पैसा और सम्मान देने की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आती है वो लाडली बहनों को सम्मान तो नहीं देती बल्कि आक्रोशित जरूर कर देती है। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाएं सबको चिंता में डाल रही हैं। बड़ा मलहेरा थाना क्षेत्र की 42 वर्षीय महिला ने थाने में शिकायत की है कि उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर जंगल ले जाया गया, जहां 5 लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी पीड़ित महिला को टैक्सी से उतारकर जंगल की ओर ले गए, तो सोचिए अपराधियों के हौसले प्रदेश में किस कदर बुलंद है। मानो कानून का कोई खौफ ही नहीं है। इस पूरे मामले में साहू समाज के अध्यक्ष राजू साहू ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। एक समाज की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जी मांग की, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके मकान ध्वस्त किए जाए। वहीं इस पूरे मामले में बड़ा मलहेरा के थाना प्रभारी कमल सिंह ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जाके महिला अधिकारी उसके बयान करवाया। बयान होने के बाद आज दिनांक को 5 आरोपियों के विरुद्ध धारा बढ़ाई गई, उसी अपराध में धारा बढ़ा के आरोपियों की तलाश की जा रही। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।